सो अब हम इसकी ड्राइव चल के चेक करते हैं। और मैंने रिक्वेस्ट किए थे कि मैं दिल का मरीज हूँ तो आहिस्ता चलाएं, मेरी उम्र में जो है गाड़ी ज़्यादा तेज़ जो है डेंजरस हो सकती है। बस 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 मेरी उम्र जो है ना 41 है और आई एम लिटरली जिसे कहते हैं ना तकरीबन क्रॉस द कॉर्नर है पहला हार्ट अटैक। अस्सलाम वालेकुम पाक व्हीलर्स, मेरा नाम है सुनील मंज और मैं व्हील्स ऑफ पाकिस्तान के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम जिस गाड़ी को फीचर कर रहे हैं वो लैम्बोर्गिनी हुरकान 2017 है। सो ये पाकिस्तान की ऑल टुगेदर 8 लैम्बोर्गिनी है, सेकंड कन्वर्टेबल जिसको स्पाइडर बोलते हैं। मेरे साथ अरसल मौजूद है, वो हमें गाड़ी का वॉक अराउंड भी देंगे और उसके बाद हम गाड़ी की ड्राइव के लिए भी जाएंगे। सो अगर फ्रंट लुक की बात करें तो अरसल अगर फ्रंट से अगर हम आए जो इसके एयर इनटेक्स हैं उसके बारे में थोड़ा बता दीजिएगा। एयर को फाड़ने की चीज होती है ना, जो एयर को साइड पे करती है, ठीक है, वो इसके विंड स्पेशली इसलिए डिजाइन किए जाते हैं एज अ प्लेन की आगे से छोटी होती है और पीछे से थोड़ी सी बड़ी होती है। ठीक है, एरोडायनामिक शेप की वजह से एयर इनटेक है वो यहां से बिल्कुल मिल जाती है एयर और लिटरली इसको ब्रेक्स के लिए आगे पार्किंग सेंसर्स भी हैं और स्पेशली इसकी जो लाइट्स हैं इस तरह आप दूसरे लैम्बोर्गिनी में देख सकते हैं एवेंटाडोर के अंदर वो दूसरे शेप की होती हैं। सही, ये टोटली स्मार्ट शेप होती है। इट्स जस्ट लाइक अ सिंपल लाइट, ठीक है, like a very elegant light with LEDs inside. So ये mid engine car है तो मेरे ख्याल से इसका जो front है ये इसके अंदर भी storage space available होगी। जी, इसमें storage space available थी। Actually ये इसकी डिग्गी होती है। ठीक है। और पीछे इसका engine होता है। सही है, बिल्कुल ठीक है। अगर हम side profile की बात करें तो जो इसके अंदर wheels हैं वो P0 हैं और size क्या है इनका? 20 inches है। 20 inches इसके size है और इसके brake pedals आप देख सकते हैं। ये one of the best braking system होता है Lamborghini का। ठीक है। और मेरा ख्याल है जो इसके brake calipers red color के हैं ये भी एक added option है, standard नहीं है। हाँ जी, नहीं आप इसका अपनी मर्जी से करवा सकते हैं, जिस जो भी करवाना चाहे इसको हर ठीक है कलर करवा सकता है। बिल्कुल ठीक है। और अगर हम बैक के ऊपर आ जाएं तो जैसे लैम्बोर्गिनी का ये जैसे सिग्नेचर स्टाइल बोलते हैं, बट दिस टाइम आई थिंक द थिंग व्हिच इज डिफरेंट इन दिस कार, उनका जो पहले इंजन था वो बड़ा विजिबल होता था। बिल्कुल विजिबल होता था। इसमें थोड़ा डिफरेंट है। जी, इसमें टोटली डिफरेंट है क्योंकि उसका 2000 दिस इज 2017 मॉडल। ठीक है। सो दैट्स व्हाई इसको अगर हम खोलते हैं तो उसका सिर्फ इंजन यहाँ तक खुलता है। सही है, इसका पूरा इंजन ही देख सकते हैं। और इसका जो मेरा ख्याल है रियर जो बंपर है उसको भी अगर हम देखें डिफ्यूजर, बिकॉज विंड डिफ्यूज करता है और ग्रेविटी को भी उसने बीट करना है, तो उसकी जो डिजाइन है वो पूरी गाड़ी में थ्रू एंड थ्रू आपको नजर आता है। अब अगर हम इंटीरियर की तरफ चलें, जैसे पहले लैम्बोर्गिनीज के अंदर इस तरह होता था कि आप इसको बटन को ऊपर किए बगैर, जिस तरह जेट का होता है उसको ऊपर किए बगैर आप स्टार्ट नहीं करते, लेकिन इसमें एक ऑप्शन और भी है, आप इसको ऊपर रहने के बावजूद भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं। इस तरह की साउंड सुन सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा लाउड होती है। इसके अंदर ऑलमोस्ट हर चीज़ ना हेक्सागन है क्योंकि ये कार्बन फाइबर की बनी होती है और उनका एटॉमिक नंबर जौन सा होता है वो 6 होता है और इसके उसका शेप भी जौन सा होता है वो हेक्सागन की तरह होता है। इसकी हर चीज़ आप देख सकते हैं हेक्सागन है, 6 साइड्स हैं हर एक चीज़ की। इस तरह आप इसका भी देख सकते हैं, इसके लॉक्स के अंदर भी इस तरह ही है। पर इसके 3 मोड होते हैं, एक होता है स्टारडा जो नॉर्मल स्ट्रीट के लिए होता है, एक होता है स्पोर्ट और एक होता है कॉर्सा। कॉर्सा ट्रैक के लिए यूजली यूज़ होता है, स्पोर्ट अगर आपने बहुत तेज़ गाड़ी चलानी है, अगर आप हाईवे पे जा रहे हैं और आर यू रेसिंग विद समवन तो फिर आप स्पोर्ट यूज़ कर सकते हैं, स्पोर्ट इज़ परफेक्ट फॉर दैट। स्टार्टा है नॉर्मल रूटीन क्रूजिंग के लिए, आप क्रूज़ कर रहे हैं तो आप स्टार्टा पर जाएँ। इसकी हर एक चीज़ जो सी है ना वो स्क्रीन के अंदर आती है, इसके सामने वाली स्क्रीन में आती होती है। इसका एंटरटेनमेंट सिस्टम भी इसके सामने वाली स्क्रीन पर आएगा और इसकी स्पीड भी सारी इसके सामने स्क्रीन में आएगी। अगर आप इसको फर्स्ट टाइम स्पोर्ट करता हूँ तो ये देख सकते हैं आप स्पोर्ट वहाँ लिखा आ गया है, ये कॉर्सा वहाँ लिखा आ गया, रेड हो गई, आवाज़ भी आप सुन सकते हैं पीछे से कि ज़्यादा हो जाती है और ये वापस स्टार्टअप पे आ गई है। अच्छा, अगर इसके अब स्टीयरिंग पे आ जाएं, ये इसका है इंडिकेटर्स के लिए, लेफ्ट इंडिकेटर राइट इंडिकेटर, और ये इंडिकेटर रोकने के लिए ये वाला बटन है। दिस इज़ फॉर द फ्लैश लाइट फॉर द अदर कार टू बी अलर्ट, दिस इज़ फॉर द इफ़ यू लाइक क्रॉस द रेन समटाइम। एंड इसका रिवर्स कैमरा भी यहाँ पर आ जाता है, रिवर्स कैमरा, यहाँ से हम इसको रिवर्स करेंगे, इसको ऊपर उठा के इसका रिवर्स कैमरा भी सामने आ गया। सारे लोग पूछते हैं कि ये वाले बटन ज़्यादा क्यों हैं, तो उनको बताता चलूँ कि यहाँ पर ये है इसकी राइट मिरर के लिए, दिस इज़ फॉर द हाइट कंट्रोल ऑफ द कार। इफ़ यू हैव स्पीड ब्रेकर्स इन योर टाउन स्पेशली तो फिर आपको इसको हाइट इसकी ऊपर रखनी पड़ेगी, लेकिन टिल सम स्पीड ये हाइट ऊपर रहती है, फिर उसके आफ्टर 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड पे ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगी, देन आई गेस आपको दोबारा ये बटन दबाना पड़ेगा। अगर फर्ज करें आपको ये जानना है कि आपकी गाड़ी अभी तक ऊपर है कि नहीं है, लाइक हाई हाइट कंट्रोल मतलब उसका हाइट ऊपर है कि नहीं है, तो ये हाइट कंट्रोल का बटन है, ये जब होएगा तो आपकी गाड़ी ऊपर है। और अगर फर्ज करें आपने गाड़ी को नीचे करना है, यू प्लानिंग टू गो ऑन टॉप स्पीड, पहले तो ऑटोमेटिकली खुद ही नीचे आ जाती है लेकिन अब ये नीचे जा रही है, यहाँ से ये वाला निशान ख़त्म हो जाएगा।
अगर आपने ऊपर ही रखना है तो इसको आप दोबारा दबा दें एक बार और ये हाइट कंट्रोल होकर गाड़ी ऊपर आ जाएगी ऑटोमेटिकली. दिस इज़ फॉर द ट्रैक्शन ऑन एंड ऑफ, बट यूजली ऑन द रोड यू शुड टेक इट ऑन, क्योंकि ट्रैक्शन ऑफ हो तो गाड़ी बहुत ज़्यादा स्लिप करती है. ऊपर से स्पोर्ट्स कार, सो यू आई थिंक यू शुड मेक इट श्योर दैट इट्स ऑन. दिस इज़ फॉर द डबल इंडिकेटर इन केस ऑफ इमरजेंसी और समथिंग. दिस इज़ फॉर द पार्किंग सेंसर्स, इफ़ यू वांट टू सी अ कार बिहाइंड यू कैन जस्ट पुल इट ऑन एंड यू कैन सी इट. This is the most useless button in a car you can have. Fuel saving के लिए होता है, but it's actually it's if you have a Lamborghini, so you're not gonna save the fuel at least. So अच्छा, अगर आप यहाँ पर आ जाएँ, यहाँ पर अगर आप आ गए हैं तो ये है इसका एयर कंडीशनिंग सिस्टम, और जो बहुत अच्छा है. इवन इफ द रूफ इज़ डाउन एंड द मिरर्स आर अप, इफ द रूफ इज़ डाउन एंड द मिरर्स आर अप, इफ़ यू हैव ए सी एक्सपोज ऑन 12, साउंड इज़ टू मच बट यू वोंट फील hot. So if we come over here, this is the entertainment system for everything, for the Bluetooth, radio, telephone, menu, everything, navigation, but everything is over here. For example, if I press media, so there's gonna be this. Abhi mere Bluetooth system se connect to, obviously still the iPhone likha raha. Nothing extra screens other than this. This is for the battery, how much like your battery is charged. This is for the temperature oil, and this is for the pressure oil. This is for the roof, if you can see. It actually closes and opens in only 6 seconds, maximum 6 seconds. So yes, over here it is for this air window. अच्छा, आप की अगर आप देख सकते हैं इसके यहाँ पर लैम्बोर्गिनी लिखा होता है, एज पर वहाँ पर भी लैम्बोर्गिनी पूरा लिखा होता है, कि उनकी सीट के पीछे जो हेडरेस्ट होती है उसके ऊपर भी लैम्बोर्गिनी का निशान बना होता है. सो इसमें आप देख सकते हैं, इसमें आप इसको, इसमें जो नॉर्मल गाड़ियों में आती है की आती है कि इसको आप लॉक भी कर सकते हैं अपने डैशबोर्ड को, यहाँ से इसको यहाँ पर यूज़ करके आप इसको लॉक कर सकते हैं. अच्छा खैर, यहाँ पर आ जाएं अगर, ये अनलॉक लॉक, और ये आपकी ट्रंक खोलने के लिए जो उसका फ्रंट पे होता है. चाबी इसकी आप यूजली देखेंगे तो नॉर्मल आपको ऑडी की तरह लगेगी, पर जैसे लैम्बोर्गिनी की. सो अब हम इसकी ड्राइव चल के चेक करते हैं, और मैंने रिक्वेस्ट किया से कि मैं दिल का मरीज हूँ तो आहिस्ता चलाएं, मेरी उम्र में जो है गाड़ी ज़्यादा तेज़ है और डेंजरस हो सकती है. अच्छा, एक और मैं इसका नेट पे पढ़ा था कि इसकी जो एरोडायनामिक शेप बनाई है ना, वो इतनी बेहतरीन है कि आपको जब चला रहे होंगे तो बाहर खुली छत के साथ भी, एक तो वो बहुत कम आता है शोर, दूसरा अगर आप बारिश में भी चलाएंगे ना, तो एट अ सर्टेन स्पीड आप 60 के ऊपर अगर जा रहे हैं तो आपकी बारिश अंदर नहीं आती. बिल्कुल, ये इंजीनियरिंग का एक बड़ा एक कमाल है. ये बहुत एक्चुअली बहुत कमाल है. मैंने अभी ट्राई नहीं किया, लेकिन मैं अभी डर रहा हूँ ट्राई करने से, लेकिन अब इन सारे तो बारिश होगी ना. हाँ, लेकिन हल्की ड्रिजलिंग में, क्योंकि पाकिस्तान में तो ये भी आपको देखना पड़ता है एकदम से, एकदम ज्यादा है तो वो दिन तो सड़क वैसे ही पानी से. बिल्कुल ऐसा. अच्छा सर, पाकिस्तानी रोड के ऊपर से हम बात कर रहे थे, बीइंग दिस लो कार और उसकी राइड जो है तो बड़ी स्टिफ होगी जी, क्या इसका एक्सपीरियंस कैसा है, या स्टिफ है, या एक वन वुड अज्यूम कि जितना मैंने अज्यूम किया था कि इतनी स्टिफ होगी नहीं लग रही. नहीं, स्टिफ नहीं है ये, बिल्कुल स्टिफ नहीं है. अच्छा, बहुत स्मूथ ड्राइव है इसकी, बहुत स्मूथ ड्राइव है. अगर स्टार्टअप पे चला रहे हैं तो बहुत स्मूथ है, ठीक है. अगर स्पोर्ट्स पे चला रहे हैं तो आपको थोड़ा सा ज़रा कॉशियस होना पड़ता है, क्योंकि अगर आप कॉन्शियस नहीं होंगे, क्योंकि एकदम से जब ये ब्रेक की आप रेस छोड़ते हैं ना, सही है, तो ये गाड़ी एकदम रुकती है थोड़ी. इसकी डेसेलरेशन जो है वो बता सके बहुत ज़्यादा फास्ट है, बहुत ज़्यादा फास्ट. इसकी जो स्टेबिलिटी है ऑब्वियसली, क्योंकि गाड़ी हमेशा मैं बात करता हूँ कि 0 to 100 जाना सिर्फ बात नहीं है, गाड़ी का स्टेबल होना उस हाई स्पीड पे, खासतौर पे लोग पाकिस्तान में, मैं हमेशा कहता हूँ जो हमारी लोकल सुपर कार्स बनाई हुई है लोगों ने, उस पर 0 to 100 लोग कहते हैं ये, तो हमारी सिविक भी 200 पे जाती है, करोला भी जाती है, बट द स्टेबिलिटी पार्ट जो है ना, दैट इज द मेन पार्ट. स्टेबिलिटी और उसके अलावा इसकी जो जब वापस आ रही होती है ना, सही, तो इनकी जो जिस तरह होंडा वाले सारे कहते हैं, जितने भी लोग कहते हैं वो लैम्बोर्गिनी को उसके कह रहे हैं कंपेयर, इसकी जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो बहुत बेहतर है, बहुत अलग है. और आप इसको एकदम ब्रेक दे के दोबारा जब करेंगे ना, तो सेम स्पीड पे वापस जाएगी. सही है, विद इन दैट सेम मार्जिन ऑफ एक्सेलरेशन और डीसेलरेशन दोनों जो बहुत इफेक्टिव है, बहुत ज्यादा. सही है, और रोड कंफर्ट भी, इवन आई कैन से मोर देन अ फरारी. उससे भी कहीं बेहतर है और कम्फर्टेबल. मैंने ला फेरारी भी चलाई हुई है दुबई में, और मैंने 488 स्पाइडर भी चलाई हुई है, लेकिन उन दोनों से बहुत बेहतर है. ला फेरारी जो सी है उसकी प्राइस भी आप देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा ही ऊपर है. सही है, उस हिसाब से अगर देखा जाए, लेकिन अब ये ब्रेकर जो है मेरे ख्याल से तो बहुत बड़ा ब्रेकर है. अब आप देख सकते हैं अगर ये बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी इसके ऊपर,
पाकिस्तान की सड़कों में कहाँ चलेगी, लेकिन अभी तक ये जो ब्रेकर गुजार ये हर जगह चल सकती है, इसको कोई इशू नहीं है तो तब इसके जो ये वाला आप देख सकते हैं ये वाला फंक्शन है इसका, सही है। तो ये ना एक्चुअली खो जाता है, खुद ही नीचे आ जाती है तब। हाँ, इसको ये फ्रंट से थोड़ी सी लगती है, फिर भी पीछे से नहीं लगती है, बट फिर भी वो तो ऑब्वियसली व्हेन यू आर एट अ टॉप स्पीड तो ऑब्वियसली आप ऐसी रोड पे नहीं होंगे जिसमें ब्रेक कर या ग्राउंड क्लियरेंस का इशू है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा। सो आप इसको ऐसे लॉन्ग पे अभी हाईवे पे लेके गए? मैं हाईवे पे नहीं लेके, इसको मैं लेके गया हुआ हूं रिंग रोड पे लेके गया हूं, लेकिन हाईवे पे नहीं लेके गया, हाईवे पे अभी तक नहीं लेके गया। सही है। और वैसे जब ये लंदन में आपने इसकी डिलीवरी ली थी वहां पे भी ट्राई की थी कि नहीं? जी, वहाँ पे मैंने इसकी ड्राइव ट्राई की थी। अच्छा, वहाँ पे हाईवे पे की कि नॉर्मल लूज? वहाँ पर हाईवे पे की थी। अच्छा, सही है। वहाँ पर व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड यू हैव टेकन दिस टू? 280 किलोमीटर पर आवर स्पीड। एंड स्टेबिलिटी वाज? स्टेबिलिटी वाज अमेजिंग। इट एक्चुअली फेल्ट लाइक आई वाज ओनली ऑन 180। एग्जैक्टली, दैट्स अ पार्ट मुझे हमेशा ये होता है कि जो ये सुपर कार्स है ना, इनकी सबसे बड़ी बात ये है कि 200 तक अगेन पहुँचना मसला नहीं है, उसके बाद जो स्टेबिलिटी है ना इसकी, दैट इज द की कि आप जो उसके अंदर स्टेबल है, जो अंदर बंदा बैठा है उसकी सेफ्टी कैसी है, और आपके जो रिफ्लेक्सेस हैं वो भी, मतलब अगर इट फील्स लाइक 180, दिस मींस यू आर अप्रोचिंग एनी टारगेट एक्चुअली क्विकर देन एनीबॉडी कैन थिंक। तो उसमें आपको जरा थोड़ा देखना पड़ेगा, बिकॉज हमारे यहाँ पे आपको पता है रोड ट्रैफिक के ऊपर खासतौर पे ये मोटरसाइकिल्स और इनकी जो है ना इनफ्लो ये बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन असल में सिर्फ और सिर्फ मुझे ना ये खुद कुछ बमबार लगते हैं जब मैं मोटरसाइकिल को देखता हूँ, काफ़ी ज़्यादा ना, क्योंकि करीब आ जाती हैं, लेकिन ना अपना खैर, लेकिन वो उनका भी राइट है प्रॉपर चलाना। आई थिंक दैट इज गिवन, हम नहीं कह रहे कि राइट किसी का नहीं है, वो पॉइंट ये है कि सारे ना ये तो मतलब थोड़े तंग करते हैं, लेकिन आप इनको, क्योंकि उनकी लेन जोन सी ये डिफाइंड है वो वाली, सही है, वो वाली इनकी लेन डिफाइंड है, लेकिन हमारे यहाँ पर कभी शुरू से नहीं रहा, आप देख सकते हैं शुरू से नहीं रहा कि हर मोटरसाइकिल उनकी मर्जी है, भाई बादशाह है, यहाँ पर भी आ सकते हैं, वहाँ भी आ सकते हैं, उनकी मर्जी होती है। 5.8 V10 और इसके अंदर MPV आया होता है, मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन होता है। सो अभी आपने पाकिस्तान में कितने किलोमीटर चला लिए थे? अभी तक ऑलमोस्ट, मैं जहाँ तक मुझे लग रहा है अभी आई थी 1000 माइल चली हुई थी, ठीक है, और अभी 2000 माइल तो मेरा ख्याल है जिस दिन से आई आप चला रहे हैं। मैं इसको रोज चला रहा हूँ क्योंकि नया ना होता है, शौक होता है गाड़ी जब कोई भी नहीं आती है, तो ऊपर से इसको जब लोग देखते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है कि लोग उसको देख रहे हैं। लोगों के लिए ये भी होता है कि हमेशा बात करते हैं पाकिस्तान के अंदर ऐसी गाड़ी मौजूद होना, और क्योंकि बाहर जाके तो लोग देख लेते हैं, बट इस हमारा जो लोकल एटमोसफियर है उनमें सुपर कार्स का मौजूदगी जो है वैसे ही लोगों को बड़ा एक्साइट करती है, एंड इट फील्स रियली गुड जब लोग अप्रिशिएट करते हैं, मतलब कोई थम्स अप दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, एंड पीपल एक्चुअली लव दीज कार्स, तो वो एक बड़ा अच्छा वो होता है। और आप जिस तरह बता रहे हैं आप जिम जाते हो ये जाते हो, तो रेगुलरली जिस तरह भी हमने इसको चेक भी किया है, इसकी क्लियरेंस का कोई इशू नहीं, विच इज़ अ सरप्राइज टू मी, तो उसके बाद आप यानी डेली इसको एवरी डे ड्रिवन के तौर पर यूज़ कर रहे हैं? अभी ऑलमोस्ट एवरी डे डिफरेंट ड्रॉमेंट यूज कर रहा हूँ मैं इसको। रेस्टोरेंट में अगर फर्स्ट करें किसी ऐसे रेस्टोरेंट में जाना है जहाँ पार्किंग इशू ना हो, सही है, द मेन इशू इज द पार्किंग इशू विद मी, बिकॉज़ आई कैन ओनली ड्राइव दिस कार, मैंने अभी तक किसी ड्राइवर को भी चलाने नहीं दिया, सही है, और मुझे है कि मैं जहाँ भी जाऊँ खुद इसको पार्क करूँ, तो जहाँ पर पार्किंग इशू नहीं है, ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं तो जहाँ मैं उन रेस्टोरेंट्स में जाता हूँ, मैं इसके ऊपर जाता हूँ, आराम से खाना शाना खाते हैं, सही है, क्योंकि आपका पहले भी आप जो दूसरी गाड़ी चला रहे थे वो भी बड़ी लोड थी, हाँ, सो उसकी वजह से भी आपको थोड़ी बहुत, वो इससे ज़्यादा लो है एक्चुअली, वो हर जगह लगती है, सही, वो हर जगह लगती है, वो हल्की सी भी टिल्ट ना करे तो वो लगेगी, लेकिन ये इसको टिल्ट करने की जरूरत भी नहीं होती है, ये ऑलमोस्ट सीधी ही जा सकती होती है, बट मेरा ख्याल है इसका वाव फैक्टर और हेड टर्नर ये से बहुत ज्यादा है जी, और ऊपर से इसके अलावा इसके अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है, सही, वो इसके ऊपर करने वाला है, और ये अमेजिंग फंक्शन है पाकिस्तान के लिए भी और यूके के लिए भी, क्योंकि यूके के जो स्पीड ब्रेकर्स हैं वो इस तरह जिस तरह उनके बल्कि ज्यादा बुरे हैं पाकिस्तान से, सही, वो बहुत ज्यादा ऊपर है। अच्छा, कलर की चॉइस के बारे में पूछूंगा, बिकॉज ज्यादातर लोगों को होता है कि लैम्बोर्गिनी जो है वो इसके जो शो कलर है येलो और उसके जो रेड में आती है या फिर जो लाइम ग्रीन कलर है, हाँ, आपने बड़ा डिसेंट कलर चूज किया हुआ है। मुझे काली गाड़ियों का वैसे ही बहुत शौक है, काली है। हो गई, गन मेटालिक हो गई, इन गाड़ियों का मुझे बहुत ज़्यादा शौक है, जो मतलब थोड़ा सा डार्क कलर होता है, मुझे ये जिस तरह के ब्राइट कलर्स होते हैं येलो एंड रेड एंड ऑरेंज ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा, गाड़ियों के अंदर कुछ ब्लैक लैम्बोर्गिनी मेरे शुरू से था कि लैम्बोर्गिनी के अंदर ब्लैक अगर होगी तो कितनी कमाल लगेगी, सो एक मेन लुक जो उसके अंदर आपको लग रहा है कि वो ब्लैक कलर की वजह से ज़्यादा, ब्लैक कलर की वजह से बहुत ज़्यादा बड़ी लगती है मुझे तो, सही जो मुझे फीलिंग आती है। एंड अभी आप इसको यानी अभी तो माशाल्लाह लिए आपने, लेकिन डू यू प्लान टू कीप इट फॉर लॉन्गर टाइम और यू वांट टू स्विच टू सम अदर कार? नो नो, आई एम गोना कीप दिस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, आई एम नॉट गोना स्विच, प्रोबब्ली आई एम गोना बाय वन मोर कार, ठीक है, बट आई एम नॉट गोना सेल दिस वन, सेल दिस वन नो।
गुड लक जी, अल्लाह करे इंशाल्लाह ताला आप खैर खैरियत से रखें, गाड़ी को इंजॉय करते रहें और कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह हम एक और जो एपिसोड है आपके साथ रिकॉर्ड करें जिसमें आपकी दूसरी गाड़ियों का भी करेंगे इंशाल्लाह ताला। अब हम गाड़ी का 0 to 100 जो वो चेक करते हैं। तो यूज़र ये था आज का एपिसोड, अगर आपको पसंद आया लाइक करें, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये था आज का रिव्यू, आपसे अगले रिव्यू में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरदे नवा के लोगों का ख्याल रखिएगा, शुक्रिया। गाड़ी की डील्स ओनली ऑन पॉपवी।